तो देखिए अभी हम करेंगे 15 क्वेश्चन 5.3 का। तो देखते हैं, इसमें कह रहा था कि 200 रुपया एक जो है अगर दूसरे दिन के लिए, इसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान है कि पहले 200 है, फिर 250, 300 ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है, और अगर वो 30 दिन तक, इसमें कहा गया है कि अगर 30 दिन तक विलम्ब कर देता है तो कितना लगेगा। तो बस S30 निकाल देना है और क्या, ऐसे ही सबको जोड़ना पड़ता है ना, ऐसे करके सबको जोड़ना पड़ता। तो कितना जोड़ दे, 30 बार लिख करके, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे S30, तो 30/2, ठीक है। ये जो है 30/2 है, और ये हो जाएगा आपका 2A 200 प्लस N 30 - 1 इंटू डी है 50, ये हो गया आपका 30/2, 2 से 15 हो गया 200 प्लस 29 इंटू 50, 15 इंटू 400 प्लस 9 से 45 और 5 2 10 और 4 14, ये हो गया आपका 15 इंटू, इसको प्लस कर लेते हैं 0 5 4 4 8 और 1 0 15 5 75 15 8 120 और 120 और 7 127 12 15 और 12 27, ये आ गया आपका आंसर। 16 देखते हैं। 16 कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो है आपका, मान लो पहला है ए, फिर दूसरा हो जाएगा ए -20, फिर आगे हो जाएगा ए -40, है ना, ऐसे करके आगे बढ़ेगा इस तरीके से। तो इसमें कहता है कि क्वेश्चन में क्या निकालना है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो सारे पुरस्कार के मान ज्ञात करने हैं और टोटल 700 रुपये की राशि रखी गई, 7 नगद है। तो ए तो है यही, और एन है दिया हुआ 7, आपका एस एन दिया हुआ है 700, ठीक है, और डी दिया हुआ है आपका, निकालना पड़ेगा। तो ये -20 माइनस ए, एस ए कैंसिल, -20, ठीक है। अब आपको एस एन से क्या निकालना पड़ेगा, ए, तो निकाल लेते हैं। एस एन 700 है, और एस एन होता है N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी इक्वल 700। एन कितना है बाबू, 7, तो 7/2 2A, ए तो यही है, प्लस एन 7-1 इंटू डी -20 700। अब देखिए 7 से कट जाएगा कितना, 100, और 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A प्लस, पीछे का 20 से 7 में से 11 6 और बीच में मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 120, तो माइनस में 120 आएगा इक्वल 200, ठीक है, 2 से ही मल्टीप्लाई हो गया। अब 2A इक्वल 120, 2 320, A इक्वल 320/2 160, ठीक है। अब देखिए पहला हो गया 160, अगला हो जाएगा 140, सॉरी अगला हो जाएगा 120, अगला हो जाएगा 100, आगे हो जाएगा 80, 60, 40, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 1 1 2 2 और 1 3, 1 1 2 1 3, 1 4 4 1 5 5 और 1 6 और 1 7। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, एक को मैं लगा 160, दूसरे का 140, तीसरे का 120, चौथे का 100, फिर 80 60 40, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं 17 फटाफट।
करते हैं। अब आपका है 17। कहता है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा वन का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, जैसे कक्षा वन है तो वन पेड़ लगाएगा। कक्षा सेकेंड का अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, अगर सेकेंड है तो दो पेड़ लगाएगा, और अगर कक्षा थर्ड है तो तीन पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा ट्वेल्थ तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमें कितने ट्वेल्थ तक, जैसे फोर है तो फोर पेड़ लगाता है। अब देखते हैं कि मतलब कहाँ तक, ट्वेल्थ तक है ना, तो ट्वेल्व। लेकिन कहता है सभी कक्षा के तीन अनुभाग हैं, फर्स्ट सेकेंड पार्ट और ये थर्ड भाग है, ठीक है। तो इस ए भी एक एक लगाएगा, ये भी दो दो ऐसे लगाएगा, तीन तीन ऐसे लगाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, पहली कक्षा तीन पेड़, दूसरी कक्षा दो दो चार छः, फिर कितना ये कितना लगाएगा, तीन तीन छः तीन नौ, इस तरीके से चार चार आठ चार बारह, तो ऐसे करके लगाता जाएगा, ठीक है। बारह चौबीस बढ़ते 36, ये भी 12 लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3, 6, 9, 12 ऐसा जाएगा कहाँ तक, 36 तक। n कितने हो गए, 12। n हमारा 12 हो गया, और इसका s 12 निकाल देंगे तो हो जाएगा आपका n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इन टू डी। डी हमारा कितना हो गया, 3, और ए हो गया 3, तो रख देते हैं। और एन है ही 12 अपॉन 2 इंटू ए 3 प्लस एन, एन है आपका 12 माइनस 1, और डी कितना है 3, ए हो गया आपका 2 से कैंसिल हो गया तो 6, 3 2 जा 6 प्लस 12 माइनस 1 11 11 3 जा 33, तो हो गया 6 इंटू 6 और 3 9 39, 9 6 54 6 18 18 5 23, 234 पेड़ टोटल लगाए जाएंगे, है ना, 234 पेड़ टोटल लगाए जाएंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं 18 देखते हैं, तो इधर देख लेता हूँ 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर इतना वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। अच्छा ऐसा है, देखिए इस तरीके से ए बी और फिर इसको ऐसे बनाया, फिर इसको ऐसे बनाया, फिर ऐसे ऐसे करके इसमें टोटल कहता है इस सर्पिल कुल संख्या ज्ञात कीजिए, 13 क्रमागत, यानी कि एन यहाँ पे 13 हो जाएगा क्योंकि ऐसे 13 बार है। अब हमें ए पता नहीं है, इसकी रेडियस पता है कितना, आर वन अगर मानते हैं तो 0.5 कह रहा है, और 0.1 अगर यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया, यहाँ से दूसरा ए दूसरा है, मान लो वन है, ए टू है, ऐसे करके ए थ्री है, मान लो ए फोर है, ऐसे करके 13 है, तो वन का आर वन मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आर टू मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका हो गया। अब जैसे इसका तो यहाँ से यहाँ तक आर थ्री हो जाएगा, तो आर थ्री है आपका, सॉरी आर टू हो गया आपका, दिया हुआ इसमें 0.1, आर थ्री 1.5 ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, हाँ 1.5 सेंटीमीटर 2.2 ऐसे, आर फोर 2.0, ठीक है, सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में। तो कहता है कि अगर इसको 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 इस सबको अगर जोड़े तो कितना होगा, ये तो हमें आर वन आर टू है, इसको हमें निकालना होगा, तो ये क्या होता है, चूँकि अर्ध परिमाप है ना, अर्ध परिमाप है,
यानी कि सेमी पेरीमीटर है, तो इस सेमी पेरीमीटर का क्या होता है, पाई आर होता है ना, सी अपॉन टू, सी अपॉन टू, और सी बराबर क्या होता है, टू पाई आर, लेकिन आधा है, सी अपॉन टू है, तो ये टू से टू कट गया, तो ये पाई आर, यानी कि अर्ध परिमाप कितना होता है, पाई आर होता है। तो पाई आर पे सबका निकाल लेंगे, ये मान लेते हैं सी वन है, सी टू है, ऐसे करके हमने मान लिया, तो हम निकालते हैं सी वन, तो हो जाएगा पाई आर, पाई कितना है, आर है 0.5, और पाई सी टू 0.1, पाई हो जाएगा सी थ्री जीरो सॉरी वन 0.1 है और फिर वन होगा शायद जीरो, हाँ जीरो 0.5 वन है, ये जो है आपका वन है, वन सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1 पाई 1.5 पाई, ऐसे करके। तो ये हमारा एक एपी बन रहा है, कैसे 0.5 पाई प्लस 1.0 पाई प्लस 1.5 पाई, ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है, 13 तक। तो इसका हम एस 13 निकाल लेंगे, है कि नहीं, एस 13 इसका सम निकाल लेंगे, ऐसे सबको जोड़ना पड़ेगा, तो एस 13 निकाल लेते हैं, तो एस 13 हो जाएगा 13 अपॉन 2 2a, ये हमारा है 0.5 पाई प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी हमारा 0.5 है, सब में से अगर माइनस करेंगे तो डी हो जाएगा 1 पाई माइनस 0.5 पाई बराबर 0.5 पाई, तो इसलिए 0.5 पाई हो गया। देखिए 13 अपॉन 2, 5 टू जा 10, यानी कि 1 पाई हो गया प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 13 है, तो 13 में से बन गया 12 इंटू 0.5 पाई, तो हो गया 13 अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 12 पचास 60, 6 पाई हो गया। अब देखिए 13 अपॉन 2 इंटू 6 और 1 7 पाई, तो इसलिए 13 अपॉन 2 इंटू 7 पाई, तो 7 पाई का क्या होता है 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11 और 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आती है 33, और 11 और 3 14, 143। तो इस तरीके से इसको करना है। अब देखते हैं 19 और एक और देखेंगे 20, दो क्वेश्चन और है, ठीक है, ओके। नाइनटीन क्वेश्चन, ठीक है जी, 19 कहता है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, ठीक है, और 200 टोटल, यानी कि एस एन हमारा हो गया 200 टोटल है, और है ना, ये अब इसमें देखते हैं कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे अगली पंक्ति में 19, यानी कि हमारा फिर 18, और ए 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, तो ये हमारा है ऐसे रखा हुआ 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। अब जो देखते हैं ए बराबर हमारा 20 है, डी हो जाएगा 19 माइनस 20 माइनस 1, वैसे ही करना है। अब हमें एन फाइंड करनी होगी, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल, यही है 200 दिया हुआ है, एन नहीं दिया, एन हमें फाइंड करना है, 2a 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस वन इक्वल 200, तो हो जाएगा एन अपॉन टू बी दुनी 40 प्लस एन, एन तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस एन प्लस वन इक्वल 200, एन अपॉन टू ये हो गया 40 और 41 माइनस एन इक्वल 200, टू इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 41n माइनस एन स्क्वायर इक्वल 400 इधर आ गया माइनस एन स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल 0, साइन चेंज कर लेते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल 0,
400 को ऐसे तोड़ना है कि 41 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 18, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 5 जा 20, 16 और 5 आ रहा है क्या? लगता तो है 16 × 25, 25 6 150 और 25 और 15 40, 400, 6 5 11, 2 1 3, हाँ ठीक है जी, 16 n माइनस 25 n प्लस 400 इक्वल 0। अब n कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन हो गया तो n माइनस 16 इक्वल 0, तो n माइनस 16 बराबर 0, इसलिए n बराबर 16 और ये बच गया n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर 25। अब देखिए 25 तो पॉसिबल हो नहीं सकता, फिर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है 200 ही है, ठीक है, तो 16 पॉसिबल होगा, तो यही आंसर है, एन बराबर 16 पॉसिबल है, पॉसिबल, सो एन बराबर 16, इट इज़ नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि 25 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर 16 है। सबसे ऊपरी पंक्ति में, ठीक है जी, ओके ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में एक मिनट, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन इसमें निकाल देते हैं एक और, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए कितना आ गया 20 था, प्लस एन आ गया 16 माइनस वन इंटू डी माइनस वन, ये हो गया 20 प्लस 16 में से गया 15 गुने माइनस वन, ये हो गया 20 माइनस 15 बराबर 5। तो कतर नीचे से रखने के लिए तो हम ऐसे रख लेंगे 5, ठीक है, 20 और 5, अब 20-20 जोड़ते जाएँ, चूँकि ए डी कितना है माइनस वन है ना, यहाँ पे सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 रखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर कितने जो है 20 ओ 5 फिर घटते 6 7 ऐसे करके, चलिए 20, एक आलू दौड़ है, आलू दौड़ कर लेते हैं। 20वां क्वेश्चन, आलू दौड़ में, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा दूसरे आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। देखिए ऐसे बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, फिर आगे 3 मीटर है, ऐसे करके टोटल कितने रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं, टोटल कितने 10 है, तो n मान लेते हैं 10। अब कहता है कि जो यहाँ से यहाँ दौड़ कर जाता है फिर रखने आते हैं, यहाँ से गया यहाँ से लिया फिर आया, फिर यहाँ से यहाँ गया फिर आया, फिर यहाँ से यहाँ गया फिर आया, ऐसे करके। तो देखिए ये जो हमारा A1 है, A1 तो हो गया कितना 5, एक गया फिर आया 5 प्लस 5, A2 हो गया 5 प्लस 3, ये तो गया और फिर आया है ना, और फिर ठीक है, यानी कि फिर गया फिर आया 5 प्लस 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 क्योंकि जा रहा है आ रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 5 प्लस 3 क्योंकि जा रहा है आ रहा है, इसलिए दो बार, तो A1 हो गया हमारा 5 × 10, A2 हो गया हमारा 5 × 3 8, 8 × 16, उसी तरह से A3 कितना हो जाएगा 5 × 3 8, 8 × 3 11, यानी कि 2 × 5 प्लस 3 प्लस 3, 5 × 3 8, 8 × 3 11, 11 × 2 22, हो गया 22, ठीक है, तो ये हमारा AP बन गया एक, कि 10 है 16 है 22 है और कितने आलू रखे हुए हैं 10, तो A हमारा 10 हो गया, N हमारा 10 हो गया
और आपका डी हो गया वो 16 - 10 = 6। अब हम ए से निकाल देंगे एस टेन, एटेन अपॉन टू, टू ए 10 + n - 1, एन कितना है 10 ही है, इंटू डी 6 है, तो ये हो गया 5, 10 गुने 20 प्लस 10 में से गया 9 - 6 = 54, ये हो गया 5 × 74, 4 × 5 = 7, तो ये हो गया 5 × 20 और 7 × 5 = 35 और 2 = 37। देखते हैं आंसर जी, ये आपका 370 मीटर टोटल लंबाई कवर करेगा, तो ठीक है, हो गया, ओके, थैंक यू, अब आगे करेंगे।